बढ़िया है ना ये नजारे के साथ कोल्ड कॉफी पी और क्या चाहिए। चलो देखते हैं पिज्जा कैसा है यहाँ का। वाव यहाँ भी दिवाली स्ट्रेस का टेस्टिंग चल रहा है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरुआत करने से पहले खम्मा गनी। हाँ जी फिलहाल मैं अभी जयपुर में हूँ। खम्मा गनी मैडम खम्मा गनी। लास्ट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा हम लोग स्पाइस जेट से इधर आए थे। बहुत दिनों बाद स्पाइस जेट में जर्नी करने का मौका मिला तो भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया हुआ है। ये वीडियो एंड होने के बाद जाके ना लास्ट वीडियो देख लेना। काफी दिनों से ना मेरा मन था पूछने का, वैसे तो मैं इतने शहर घूमते रहता हूँ। आप कमेंट करके बताओ आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार बताना जरूर, मेरे को भी थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ भाई यहाँ से लोग देखते हैं मुझे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं अभी मैं जयपुर आ गया हूँ और जयपुर एकदम रेलवे स्टेशन के बाजू में मैंने ये होटल लिया है। ये होटल रया इन है। रूम कैसा है, रूम मैंने कितने में बुक किया और अभी फिलहाल आसपास जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। अभी लवली का वैसे सेकंड टाइम है जयपुर में तो उसको हवा महल देखना है तो वो भी दिखाने के लिए जाएंगे। वैसे तो फोर्ट वगैरह भी घुमा देता है इसको लेकिन अभी तो सारा बंद हो गया होगा और अपने पास टाइम भी कम है जयपुर के लिए। और जयपुर में ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से ब्लॉग सारा बनाया हुआ है। फिलहाल एक काम करते हैं जल्दी से इसका रूम टूर दे देते हैं। तो देख लो ये कुछ अपना रूम है होटल रया इन। मुझे इसके बारे में सत्य भाई ने बताया था कि मोहित भाई अगर स्टेशन के बाजू में रुकना है तो ये होटल आपको बढ़िया लगेगा। #NoPromotion अभी भी कोई प्रमोशन नहीं है, आप अपने हिसाब से रुक सकते हो अगर आपको मन करेगा तो। जहाँ अच्छा रेट मिले वहीं रुको लेकिन रूम बढ़िया होना चाहिए। इस होटल को मैंने 1800 रुपए में बुक किया है। अब 1800 रुपए के हिसाब से रूम कैसा है अब आप लोग ही कॉमेंट में बताना। इसका लोकेशन कितना अच्छा है वो मैं होटल से बाहर निकल के आपको दिखाऊंगा। व्यू कुछ खास नहीं है, नॉर्मल व्यू है, पास में स्टेशन है, बाहर निकलेंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। इसके अलावा देख लो यहाँ पे मस्त चाय कॉफी बनाने का तामझाम और नीचे में मिनी फ्रिज भी आपको मिलता है, ये सही है। साइड में काउच बना हुआ है, बैठ के टाइम पास करो, डिनर करो, जो करना है करो। और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर, ये वार्डरोब है भाई साहब, लॉकर भी है, ये सही है। इसके अलावा देख लो कुछ ऐसा इनका वॉशरूम है, वॉशरूम बढ़िया लगा मेरे को, काफी साफ सुथरा वॉशरूम है। देख लो मस्त एकदम सावर जेल वगैरह सब कुछ है। देख लो भैया यूट्यूबर्स लाइफ, रूम में चेक इन किए निकल गए अभी। हाँ जी तो अभी मैं होटल से बाहर निकल चुका हूँ। ये अपना होटल है, अभी तो रेनोवेशन का काम चल रहा है कुछ, बाकी अंदर से आपको मैंने दिखाया। और ये सामने में देख लो जयपुर जंक्शन, और क्या चाहिए बताओ। स्टेशन से निकलो होटल के अंदर जाओ। अब आपने रूम भी देख लिया है, लोकेशन भी देख लिया है, 1800 रुपए के हिसाब से कैसा लगा ये बताना। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हवा महल। हवा महल के ठीक अपोजिट साइड में एक कैफे है ना, वो शायद शुद्ध देसी रोमांस मूवी का ना कुछ मूवी सीन शूट हुआ है वहाँ पे। वो कैफे में मैं गया हूँ इससे पहले भी, तो वही जा रहे हैं। लवली को घुमा दे, उसको फोटोज वीडियोज पता नहीं क्या क्या लेना। लो जी ये जयपुर आते ही हम लोगों ने यहाँ पे टोटो ले लिया है, टुक टुक, यहाँ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नहीं पता हमें। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल। आपको याद होगा उस दिन पहले मैंने आपको पंडाल दिखाया था, हमारे एरिया में बना था ना हवा महल। बिलीव नहीं हो रहा है कि एक या डेढ़ हफ्ते बाद मैं आपको रियल वाला हवा महल दिखाऊंगा। देख लो मेरे पीछे, ये वैसे मेरा सेकंड टाइम है भाई। हवा महल देखने का सबसे बढ़िया व्यू आपको मिलेगा यहाँ से, ये है ना विंड व्यू कैफे, वहाँ से आपको काफी बढ़िया व्यू मिलेगा। अब ये काम करते हैं जाते हैं वहाँ, वहाँ से आपको दिखाते हैं। ऑल राइट, तो देख लो मेरे पीछे आपको हवा महल दिख रहा होगा। अभी मैं आ गया हूँ विंड व्यू कैफे में और एक सामने में एक और कैफे दिख रहा है जो कि है द टैटू कैफे एंड लाउंज। इनका इंटीरियर थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, फ्रेंकली बता रहा हूँ। और ऐसा व्यू है यहाँ से देख लो, और भाई वहां तो मस्त किसी का दिवाली चल रहा है अभी से ही। वाव यहाँ भी दिवाली स्ट्रेस का टेस्टिंग चल रहा है भाई। ये हमारे हावड़ा में बना था और ये रियल वाला है भाई, काफी बढ़िया बनाया था यार, अप्रिशिएट करना बनता है। आज तक अंदर नहीं गया मैं, अंदर में क्या है एक बार जाके देखना पड़ेगा। और ये जो रोड देख रहे हो ना भाई, काफी बिजी रोड है। कैसा लग रहा है रियल हवा महल देख के? लेकिन वो भी बहुत अच्छा बनाया था ना, बहुत बढ़िया बना था। ऐसा मेरे साथ सेम क्या हुआ था मालूम है, श्री भूमि में हम देखे थे बुर्ज खलीफा वाला पैंडल, ठीक उसके एक या डेढ़ महीना बाद हम रियल वाला भी देखे। बढ़िया है ना ये नजारे के साथ कोल्ड कॉफी पी और क्या चाहिए। अगर मैं इसको एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में बैठ के पी रहा होता तो मेरे को वर्थ नहीं लगता, लेकिन इस व्यू के साथ पी रहा हूँ बढ़िया अच्छा ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है, बाकी सभी कोई देख लो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब जगह अगर आप आते हो ना तो नीचे में ही ना पर पर्सन वो 100 रुपए का एक कूपन देते हैं। एक्चुअली क्या है कि काफी लोग ना बस फोटो लेने आते हैं, फोटो लेके चले जाते हैं, इसलिए वो इसलिए रखते हैं वो कूपन,
कि अगर आप कुछ खाने पीने का मतलब सामान जो ऑर्डर करते हो वो कूपन दिखाओगे, जितना रुपया आपने दिया, मतलब हम लोग दो लोग हैं तो 200 रुपए हम लोगों ने दिया है, वो 200 रुपए माइनस हो जाएगा। ये कूपन है, देख लो अपना। अभी लगभग शाम का 7:30 बज रहा है और ये रहा अपना चाय। जैसा कि मैंने लवली को प्रॉमिस किया था कि कल हम लोग चाय पी रहे थे अपने हावड़ा में, नहीं नहीं कल का चाय, कल हम इसको बोले थे कि कल का चाय पियेंगे, कल शाम का चाय हम लोग पियेंगे जयपुर में। और वहाँ देख लो फोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे काफी लोग आते हैं ऐसे फोटो शूट वगैरह करवाने, प्री वेडिंग शूट वगैरह करवाने। वैसे लगे आ तो ना चाय का भी रिव्यू दे ही दो, चाय वैसे कौन ही पिएगा यहाँ का, लेकिन पी रही हो तो दे दो। बहुत बढ़िया, नहीं व्यू के, व्यू को छोड़ दो तो फिर भी व्यू को छोड़ के चाय बहुत बढ़िया, मीठा भी एकदम बैलेंस्ड है, तुम पी के देखो तुम खुद बोलो। वैसे तो यहाँ का कोल्ड कॉफी चाय सभी कुछ अच्छा है, ये हम लोगों ने पिज्जा भी ऑर्डर कर लिया। चलो देखते हैं पिज्जा कैसा है यहाँ का। पहले बिना किसी ओरिगैनो चिली फ्लेक्स के खाते हैं। बहुत बढ़िया यार। वैसे ना मैं बता रहा हूँ, मेरे को सिंपली कैफे वगैरह का खाना उतना पसंद आता नहीं है, लेकिन यहाँ का चाय भी अच्छा है, पिज्जा भी अच्छा लग रहा है, कोल्ड कॉफी भी अच्छा है, लोकेशन भी अच्छा है, भाई इतना तारीफ। चलो अभी काम करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। ये कौन है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलो जी अपना मस्त खाना पीना हो गया है, यहाँ पे देख लो तो टोटल 490 रुपए का बिल हुआ था, देख लो जिसमें से 200 रुपए माइनस हुआ है, 315 पे करना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको 200 रुपए वो पहले ही मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रखते हैं, कूपन मिल जाएगा आपको एक। वैसे विंड एंड कैफे से तो हम लोग बाहर आ गए हैं और ये जाने का रास्ता है भाई, सीढ़ी आपको कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा, ले भाई खड़ा सीढ़ी है एकदम, यहाँ से देख लो एकदम यहाँ। और अगर आपको जाने का हुआ ना तो विंड एंड कैफे ठीक है, लेकिन ना उसका एम्बियंस उतना भी बढ़िया नहीं है, मतलब अंदर का जो लुक है ना, ये द टैटू कैफे एंड लाउंज जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था दिखने में। अदरवाइज मैडम चली गई, पता नहीं क्या उसको पसंद आ गया। क्या लेना है भाई साहब? टाइम वैसे देख लो 8 बज रहा है। वैसे हमारे पास तो काफी कम टाइम है जयपुर में, तो सोच रहे कम ही टाइम में लवली को जो जो मतलब बढ़िया बढ़िया जगह हम गए थे वहाँ वहाँ लेके जाए। अभी मैं लवली को लेके जा रहा हूँ यहाँ से हंडी रेस्टोरेंट, थोड़ा देर बाद वहाँ का एक फेमस है ना लाल मांस एंड जंगली मांस, वो खिलाने के लिए। जंगली मांस मतलब मटन वटन जो मिलता है वहाँ पे, काफी बढ़िया होता है। चलो जी अभी हम लोग टोटो लेके निकल चुके हैं हंडी रेस्टोरेंट के लिए और इसका शॉपिंग भी हो चुका है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग हवा महल से निकलने के बाद आ चुके हैं हंडी रेस्टोरेंट, जो की मैंने बताया था आपको, देख लो हंडी जो कि 1982 से है। यहाँ का एक आइटम मेरे को बहुत अच्छा लगा था, जाते अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे वेटिंग रहता है, वेटिंग पता नहीं अभी वेटिंग होगा कि नहीं। तो यहाँ हम लोग ज्यादा कुछ भी ट्राई नहीं करेंगे, ये जो देख रहे हो ना जंगली मांस ड्राई और फायरी हॉट मटन, मटन है भाई भैया, प्रिपेयर्ड इन देसी घी फ्रॉम राजस्थान, ये आइटम यहाँ का जरूर ट्राई करना। ये हाफ प्लेट ऑर्डर कर लिया है जंगली मांस, 390 का हाफ, फुल 700 रुपए का। फाइनली ये आ चुका है अपना जंगली मांस, स्पेशली लवली को यही खिलाना था, पता नहीं इसको कैसा लगेगा। स्पाइसी है लेकिन बहुत मस्त टेस्ट है, बहुत ज़्यादा। इसको ये लोग ना घी में रोस्ट करते हैं, थोड़ा स्पाइसी है लेकिन मस्त है, जरूर ट्राई करना। अगर आप स्पाइसी खाते हो तब तो आपके लिए तो सोने पर सुहागा। मेरे को यहाँ का जंगली मांस पसंद है, मैंने पहले भी खाया हुआ है, मेरे को तो पता है थोड़ा स्पाइसी होता है लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन मैडम को भी आज अच्छा लगा। तो रिकमेंड करोगे यहाँ पे? 100% चटनी के साथ अच्छा लग रहा था, वो बैलेंस स्पाइसी ज़्यादा नहीं था। वैसे मैं बता दूँ हमारा खाना पीना हो गया है और वैसे ये थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन एक बार ट्राई करना तो बनता है। ये जंगली मांस 390 रुपए का हाफ प्लेट लिया था हम लोगों ने, फ्रेश लाइम सोडा 100 रुपए का, भाई साहब ड्रिंकिंग वाटर 70 रुपए का, टोटल देख लो 588 का बिल हुआ है अपना। कोई नहीं, पे करते हैं निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो अभी हम लोग हांडी से निकल गए हैं, ज्यादा कुछ तो ट्राई नहीं किए हैं, वही एक ही आइटम उनका ट्राई किया है, मजा आ गया। हांडी रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अभी रूम आ गए हैं और रूम आने के बाद तो मैं अपने एडिटिंग में लग गया। कल का मैं सोच रहा था कल मैं डायरेक्टली जैसलमेर के लिए ट्रेन ले लूं, जो कि शाम को है ना जयपुर से लीलन एक्सप्रेस, उससे ऑलरेडी मैंने उस पर एक ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं वही सोच रहा था डायरेक्ट वही ट्रेन से जाऊं या फिर जोधपुर होते हुए जाऊं, तो वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा जोधपुर होके जा रहा हूं या फिर डायरेक्टली जयपुर से जैसलमेर जा रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टिकट बुक्ड है, तो वो आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख लेना। फिलहाल रूम में आते ही तो मैं एडिटिंग में लग गया था और सत्या भाई से बात हो रहा था, तो सत्या भाई बोल रहे थे कि मोहित भाई आप जो होटल में रुके हो ना वहाँ का दाल खिचड़ी बहुत बढ़िया होता है, तो एक बार जरूर ट्राई करना। तो मैं बोला चलो रात में दाल खिचड़ी खा लेते हैं, वैसे भी दाल रात में खाना काफी बढ़िया होता है क्योंकि सुबह तक भाई सब कुछ एकदम हल्का हो जाता है। ये मैडम देख लो सबसे पहले अपना चाय मंगा लिया, भाई कुछ आए या ना आए चाय पहले आना चाहिए। बाकी ये अपना दाल खिचड़ी देख लो, पापड़ भी साथ में आया हुआ है, वैसे देखकर अच्छा लग रहा है, देख लो काफी कमाल का लग रहा है, टेस्ट करते हैं बताते कैसा है। वैसे ये खिचड़ी देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है,
चलो ट्राई करते हैं। सत्या भाई ने इसका इतना तारीफ किया है ना, अगर मैं ये दाल खिचड़ी नहीं खाता ना, मेरे को ऐसा लगता कि जयपुर आके ना बहुत ही कमाल का चीज मिस हो गया है। देखते कैसा है। है तो भाई साहब बढ़िया। अब समझ में आ रहा था कि बार बार वो एक ही बात क्यों बोलते थे। मोहित भाई अगर उधर जा रहे हो तो दाल खिचड़ी जरूर खाना। और सबसे बढ़िया बात देख लो, पापड़ के साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो वो खिचड़ी खाने के बाद तो क्या जबरदस्त नींद आया, मैं तो सो गया था। और अभी टाइम देख लो, सुबह का 4 बज रहा है और अभी मैं सो के उठ गया हूँ, क्योंकि मुझे करना था एडिट, इसलिए मैंने अलार्म लगा के रखा था। और वैसे भी सुबह 6 बजे मेरा ट्रेन है, तो हम लोग वैसे जा रहे हैं जोधपुर। फाइनली मैंने टिकट बुक कर लिया था रात में ही, मैं सोचा नहीं यार बुक कर ही देते, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी 4 बजे उठ गया हूँ, 1 घंटा एडिटिंग में लगेगा, एडिट करते हैं फटाफट। फिर सुबह 6 बजे का अपना ट्रेन भी है और अपना होटल आप जानते ही एकदम स्टेशन के पास में ही है, तो आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। जयपुर में हमारे पास जितना भी टाइम था मैंने ट्राई किया अच्छे से उसका यूज करे उस टाइम का। वैसे मेरे को जयपुर ना एक बार और आना है, स्पेशली चोखी दाने के लिए, लेकिन ठंड में, थोड़ा और ठंड आ जाए उसके बाद। तो यही था आज के वीडियो में, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जा रहा है इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene.